चलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो जी का जीना है, जो मरना वतन दे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 29 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी उदयपुर पधार रहे हैं। हमारे उदयपुर के पूरे जिला प्रशासन ने, यहाँ के जितने भी मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, गृह मंत्री जी गुलाब चंद जी कटारिया, श्री चरण जी कृपलानी, सांसद अर्जुन लाल जी मीणा और UIT के चेयरमैन रविंद्र जी श्रीमाली, नगर निगम के श्रीमान कोठारी साहब और सभी जिला कलेक्टर, यानी कि पूरा लवाजमा उदयपुर का सरकारी अधिकारियों ने हमारे इस खेल गांव को बहुत कंप्लीट करके प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता, टीवी स्क्रीन है ये जो बहुत बड़ी LED लगी हुई है, LCD लगी, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, राजस्थान में यानी कि पूरे राजस्थान के जो भी लोकार्पण होंगे, चाहे जोधपुर के, कोटा के, उदयपुर के हाईवे के, ये सभी
प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उदयपुर खेल गांव से करेंगे। कितनी बड़ी खुशी की बात है उदयपुर शहर के लिए, हमारे उदयपुर के लिए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी राजस्थान के कई सारे प्रोजेक्ट का लोकार्पण हमारे उदयपुर से करेंगे। आप सामने देख रहे हैं, यह कोटा का हैंगिंग ब्रिज है और कोटा के हैंगिंग ब्रिज का लाइव यहां से ओपनिंग हमारे पीएम साहब करेंगे। बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, आप जो ये सामने वीआईपी गद्दे देख रहे हैं, हमारे राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के जितने भी बड़े बड़े नेता होंगे, मिनिस्टर होंगे और जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, वो सब इन सोफा सेट पे बैठेंगे। अब ये जो कुर्सियां हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए हैं। और पीछे, बहुत पीछे की गैलरी में जनता भी बैठेगी, कारण कि ये जो मोदी जी की सभा हो रही है, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तो लगभग 60-70 साल हो गए, इतनी बड़ी सभा कभी भी नहीं होगी अब तक के इतिहास में, मेरा ऐसा मानना है। खेल गांव का भी नाम हो जाएगा, हमारे उदयपुर का भी नाम हो रहा पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं जो आप सामने देख रहे हैं, यह एक बहुत सॉलिड वाला मंच है। इस मंच पर लगभग सिर्फ 4 कुर्सियां ही लगेगी। इस मंच के ऊपर 4 कुर्सियों पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, गडकरी जी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया, यानी कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है सिर्फ 4 कुर्सियां स्टेज पर रहेगी और ये मंत्री ऊपर बैठेंगे स्टेज पे। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम हुआ है उदयपुर में। और कल 29 को बहुत बड़ा मेला लगेगा हमारे उदयपुर में, हम लोग भी जाएंगे, कहीं से बैठ के शूटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे भी पास तो आ गए हैं हमारे पास। थैंक यू, एक बार हमारे उदयपुर की जनता को चश्मा खोलकर आप सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उदयपुर में मोदी साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, उदयपुर के लिए बहुत कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमन। ठीक है सर, ठीक है, इसको सेट करवाते से ऊपर रखवाते सर। हाँ सर, कर रहे हैं। चलो सर, Thank you.
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਾਸ ਹਾਂ ਸਰ।